हेलो दोस्तों, मैं हूँ योगेश और आज मैं कुछ अपने बाहर से स्टूडेंट थे तो रिव्यू लेके आया हूँ आपके लिए कि ये जो है सबसे पहले जानते हैं कि अक्षय जी से। तो अक्षय जी बताइए, थोड़ा अपने बारे में बताइए, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मेरा नाम अक्षय है, मैं कर्नाटक से आया है। इधर मैं एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है। हम मैं गांव से खुद से हाथ में कर रहा था वुडन का काम। अभी मैं ढूंढ रहा था हर जगह ये आर्ट कैंप डिजाइन सीखने के लिए, किधर किधर अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है। बहुत जगह मेरी चेन्नई हैदराबाद सभी जगह मैं ढूंढ रहा था। हमको यूट्यूब में हम एक बार लिखा तो हम इधर इधर नंबर 1 आ रहा था। इधर अहमदाबाद में 3D शिक्षा, इधर मैं हमारे फ्रेंड से भी पूछा था हम 3D शिक्षा कैसे है गुजरात में, कैसे है पूछा था। वो गुजरात में मिशन मैन्युफैक्चर होता है, उधर आप सीखा तो अच्छा होता है आपको। मैं इधर आया और हमारा 50 days हो गया हमको इधर। हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं इधर। कुछ कंफ्यूजन नहीं होता है हमको, इधर से अच्छा से सीख रहा है। अभी अभी हाथ से कैसे काम करता है हम। एक्चुअली दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अक्षय जी है ना, ये मतलब आर्टिस्ट है। मतलब वुडन के जो हैंड वर्क जो होते हैं, जो डिजाइन वगैरह जो बनते हैं, ठीक है, ये हैंड वर्क से मतलब डिजाइन वगैरह बनाते हैं। दूसरे टैटू वगैरह है, वो सब चीजें भी बनाते हैं। तो इन्होंने क्या बहुत सर्च किया, फिर अपने यहाँ पे पहुंचे ये। उससे पहले इनके कॉल आए थे, उनको कॉल पे हम लोगों ने बताया कि हमारा काम वो लेवल से करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो आए और अभी लगभग ऑलमोस्ट आज उनका लास्ट वाला डे है। तो उसी के लिए हम लोग वीडियो बना रहे हैं कि ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस किस तरीके से क्या रहा था। तो अक्षय जी बताइए शॉर्ट कि ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा, जैसा आप जो सोच के आए थे वो आपका फुलफिल हुआ। हाँ, फुलफिल हुआ, कॉन्फिडेंस हुआ। हम हमारा माइंडसेट में अभी हैंड वर्क कर रहा था ना। हम अभी मिशन इसमें हमारा आर्ट कैम सॉफ्टवेयर में हम कर सकते हैं, अभी कॉन्फिडेंस है हमको। हो गया आपको कैसा डिजाइन हमको मिला और आपको? रियली इनका जो हम लोगों ने देखा भी है कि मैन देखो होता क्या है कि हम जो यहाँ पे जो करवा रहे हैं ना, वो यही है कि प्रॉपर कमांड के अलावा हमारा रहता है कि इमेज पे किस तरीके से काम करना है। क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो आ रहे हैं ना, इनको ना कहीं सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना इनको रिजल्ट की जरूरत है, ठीक है। इनको यहाँ से अगर ये अच्छा अगर नॉलेज लेके जाएंगे ना, तो ये अपने बिजनेस में अच्छा कर सकते हैं। इवन कहीं पे अगर जॉब कर रहे हैं तो वहां पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो 1-1.5 महीना जो होता है ना, ये 1-1.5 महीना मतलब उनको कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकता है। तो उसके लिए हम लोग बहुत सीरियस है और बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रेनिंग करवा। तो अभी मिलते हैं अमन से। अमन जो है वेस्ट बंगाल से है। तो अमन अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन दीजिए आप। हेलो, मेरा नाम अमन सिंह है और मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से हूँ। हमारा CNC का खुद बिजनेस है, हमारी 2 मशीन है CNC की, और मैं यहाँ स्पेशली 2D 3D और फेस स्कल्पचरिंग के लिए आया था यहाँ पे। तो मैंने इसकी जानकारी YouTube से प्राप्त की। YouTube में मैं रील्स देख के इसकी जानकारी मैंने ली है, और जब इसको मैंने गूगल पे सर्च किया तो यहाँ पे दिखाया इसका एड्रेस अहमदाबाद उधव। तो वहां से मैं यहाँ आया स्पेशली 2D 3D सीखने के लिए। और यहाँ पे एक और मेरे भैया भी रहते हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई है। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ ये यहाँ पे है। मेरे को पहले ये फेक लग रहा था, फिर उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि यही है, और फिर मैं यहाँ चला है 3D सीखने के लिए। और अमन, ओवरऑल जैसे कि आपने जो ट्रेनिंग जो ली है 1 महीने की, ठीक है, तो अभी अपना फाइनल चल रहा है, तो ओवरऑल अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसा आपने यूट्यूब पे देखा, जैसा आपने रिव्यूज पढ़े, वही लेवल का एक्सपीरियंस था या? सर, जैसा मैंने YouTube पे देखा और रिव्यूज पढ़ा, रिव्यूज के मुताबिक मेरे को उससे भी बेस्ट लगा यहाँ का एक्सपीरियंस। क्योंकि मेरे को जो चीज सीखनी थी, एक्चुअल जो चीज सीखनी थी, उसका वो सीखने के लिए मेरे को ये बेस्ट प्लेस लगा सीखने के लिए। अगर आपको सीखना है तो आप भी यहाँ आ सकते हो। मेरे को पूरा डाउट, जो भी मेरा डाउट था, जो भी मेरे को सीखने का था, वो मेरा सब क्लियर हो चुका है। और एक चीज और कहूंगा कि यहाँ पे अगर आप सीखने आओ तो थोड़ी आपको नॉलेज चाहिए। सही। अगर आपको सर थोड़ी अगर नॉलेज चाहिए, थोड़ी अगर नॉलेज रहे तो आप इसको आप बेटर तरीके से आप इसको नॉलेज को ले सकते हो। और अमन एक चीज अपने दोस्तों को ये भी बताइए कि जैसे कि लोग क्या अभी CNC तो चलो ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास CNC लगे, आपको पता है कि आफ्टर CNC जो प्रॉब्लम जो आती है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन किस तरीके से हो सकता है? मतलब जो लोग जो CNC ले लेते हैं, ठीक है, फिर उनको लगता है कि भाई ये डिजाइन कैसे करना, वो डिजाइन कैसे करना,
तो उसके बारे में एक बार बताइए तो उनको थोड़ा आइडिया रहे। सर उसके बारे में, सर अगर आप सोच रहे हो सीएनसी लेने तो पहले आपको सर डिजाइन बनाना सीखना पड़ेगा, उसको चलाने के लिए सीखना पड़ेगा। वरना आप अगर मशीन लेके सोचोगे कि मैं बना लूं या फिर मतलब मैं कर लूंगा तो वो सर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आपको अगर सीखना है मशीन चलाना या फिर डिजाइनिंग, 2D डिजाइनिंग, तो आपको पहले यहाँ आके सीखना पड़ेगा 3D शिक्षा में, फिर जाके आप कुछ भी मशीन डालो या फिर खुद का मशीन हो तो उस पर आप आगे कर सकते हो, बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो। तो ये जो हमारे जो स्टूडेंट जो थे, वैसे तो हमारे महीने के 30-35 स्टूडेंट रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो रिव्यू का जो वीडियो मैं बहुत टाइम बाद के बाद में बना रहा हूँ, क्योंकि दो स्टूडेंट ऐसी जगह से थे कि एक थे साउथ से एक थे नॉर्थ साइड से, तो वही बताना चाह रहे थे कि लोग जो हमारे यहाँ पे जो आ रहे स्टूडेंट वो इंडिया के एक एक कॉर्नर से आ रहे हैं। रीजन वही है कि क्वालिटी, क्योंकि हम यहाँ पे जो 1-1.5 महीने की जो ट्रेनिंग जो दे रहे हैं ना, हमको पता है कि इसकी वैल्यू क्या है। तो अगर आपको भी अगर आर्टकेम से रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है, आपको नॉलेज की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, तो आप कभी भी कॉल करिए, आपको प्रॉपर डिटेल मिलेगी